महिलाओं के प्रति समाज के लोगों की दृष्टि में बहुत अधिक बदलाव आया है और ये बदलाव नकारात्मक स्वरूप में अधिक दिखाई पड़ता है, क्योंकि बलात्कारों की खबरें तो हर रोज सुनने को मिलती है, लेकिन चलती ट्रेन में बलात्कार की घटनाओं में भी अधिक वृद्धि देखने को मिली है। RTI की एक रिपोर्ट में एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें ये बात भी सामने आई है कि पिछले 3 सालों में चलती ट्रेनों में महिलाओं के साथ यौन शोषण की वारदातों में वृद्धि हुई है और इसकी संख्या बढ़कर 160 से भी अधिक हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से लेकर 2019 के बीच रेलवे परिसर और चलती ट्रेनों में बलात्कार के 160 से अधिक मामले सामने आए हैं। हालांकि 2017 की तुलना में 2019 में रेप की घटना में कमी जरूर आई है, पर ये घटनाएं अभी भी हो रही हैं। 2017 में जहां रेप से जुड़े 51 मामले सामने आए, तो 2019 में इसकी संख्या घटकर 44 हो गई। हालांकि 2018 में यह संख्या बढ़कर 70 तक पहुंच गई थी। नीमच के RTI कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौर की तरफ से इससे संबंधित जानकारी मांगी गई थी। चंद्रशेखर गौर के इस सवाल पर मिले जवाब के अनुसार 2017 से 2019 के बीच रेल परिसरों में बलात्कार के 136 मामले और चलती ट्रेनों में 29 ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें अगर जोड़ा जाए तो ये कुल 165 बनते हैं, जबकि पिछले साल 2019 में रेप से संबंधित 44 घटनाएं सामने आई, जिसमें 36 रेप रेलवे परिसरों में जबकि 8 बलात्कार ट्रेन में हुए। हालांकि 2018 में रेप की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली, वहीं इस साल रेप के 70 में से 59 मामले रेलवे परिसरों में जबकि 11 मामले ट्रेनों में हुए। 2017 में बलात्कार की 51 घटनाओं में से 41 रेलवे परिसरों में तो बाकी 10 चलती ट्रेनों में हुई। इस रिपोर्ट में रेप के अलावा भी कई मामले सामने आए हैं, जिसमें से 802 रेलवे परिसरों में जबकि 870 चलती ट्रेनों में हुए हैं, यानी कुल मिलाकर 1672 बलात्कार से हटकर शोषण से संबंधित घटनाएं इन चलती ट्रेनों में देखने को मिली। पिछले 3 सालों में अपहरण के 771 केस सामने आए। इसके अलावा लूटपाट के 4718 केस, हत्या के प्रयास के 213 केस और 542 हत्या केस रेलवे परिसर या फिर चलती ट्रेनों में हुए। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेलवे में सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार के पुलिस विभाग की है। इसमें अपराध की रोकथाम, केस दर्ज करना, उनकी जांच व रेलवे परिसरों और चलती ट्रेनों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है, जिसका निर्वहन सरकार राजकीय रेलवे पुलिस यानी GRP या जिला पुलिस के द्वारा करती है। और महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए कई बड़े बड़े कदम भी उठाए गए हैं। रेलवे में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित पूछे गए सवाल के जवाब में रेल मंत्रालय ने पिछले महीने राज्यसभा को बताया था कि जोखिम वाले और पहचान किए गए मार्गों या खंडों में औसतन 2200 ट्रेनों में रेलवे सुरक्षा बल प्रदान करता है, जबकि 2200 ट्रेनों में रोजाना कई राज्यों में GRP द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस आधुनिक परिवेश में जहां जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को संदेश दिए जा रहे हैं, वहीं महिलाओं पर बढ़ते ये अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि RTI के इस खुलासे के बाद रेलवे विभाग सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम करता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।